नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सलोनी कासलीवाल आपके साथ। कायमनगर गांव पहुंचने में बाधा बना 500 मीटर का पेच। स्थानीय लोगों ने लिखा विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र। ग्रामीणों में आक्रोश। टोंक जिले के निवाई तहसील के कायमनगर बासड़ी गांव के लोगों के लिए 500 मीटर की दूरी पहाड़ बराबर साबित हो रही है। गाँव को जोड़ने वाली सड़क के बीच 500 मीटर के हिस्से का निर्माण नहीं किया गया है। बरसात के बाद पानी भरने से यह रास्ता दलदल भरा हो गया है। इस परेशानी को दूर करने के लिए स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन और विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखे हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं होती दिख रही है। स्थिति ये है कि गांव में चाहे प्रसूता महिला हो या फिर दैनिक कार्य पर जाने वाले कर्मचारी हो, सभी को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी शंकरलाल सैनी ने बताया कि गांव में 5000 की आबादी निवास करती है। गांव में आवाजाही के लिए 3 रास्ते हैं, जिनमें तीनों ही रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। कोरोना संक्रमण का लोगों में खौफ बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में बीमार हो जाता है तो उसे आवागमन में परेशानी होती है। स्थिति ये है कि वाहन चालक रास्ते खराब होने की बात कहकर जयपुर जाने से भी इनकार करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में आवागमन सुगम हो इसके लिए रतन माली, प्रभु माली, रामकेश सैनी, पप्पू सैन, दिनेश राजू सैनी सहित गांव के गणमान्य नागरिकों ने पत्र मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को पत्र भेजकर सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने की मांग की है। सैनी ने बताया कि अगर गांव में सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।